हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए फ्रेश व्लॉग में। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे हैं 8:30। और पहला काम सुबह का पता क्या मिला? देखो, चीकू उधर सो रहा है पीछे, मुझे कटहल काटना है और चाकू मैंने ले लिया है, जिस पर तेल लगा लिया ताकि इसमें से मुंह निकले। चाकू पर और तेल लगा लेंगे, फिर इसको फटाफट काटते हैं पूरे को। जिस पर तेल लगाना, उंगली से चुप करके लगा उस पर। मैं तो मन जैरी था तेरा मेरा ये लो। तो गाइस, इतना कटहल काट लिया, इसकी बनेगी सब्जी, इसका बनेगा अचार। अब अचार के लिए इसके छोटे छोटे पीस करने हैं। क्या तो इतना बड़ा बड़ा पीस करना पड़ेगा, है ना? तो गाइस, सारा कटहल काट दिया और अभी मैं तो लेट गया हूँ, थक गया था मैं काट काट के। और देखो, टाइम भी 9:30 हो गया, बहुत टाइम हो गया। और रजनी उधर लहसुन वहसुन छील रही है, इसके बाद अचार डालेंगे, अब इसको उबालेंगे और बाकी काम करने हैं। चलो फिर बाहर चलते हैं, मौसम देखते हैं। गाइस, जस्ट अभी छत पर आया हूँ। आज देखो धूप देखो यार, मतलब अभी तक पड़ रही थी बारिश और अब निकली है इतनी कड़क धूप। और चीकू का ट्रैक्टर बाहर खड़ा हुआ है, अभी मैं थोड़ा कंप्यूटर पर काम करूँगा अपने पे, क्योंकि मुझे काम जरूरी है करना, उसके बाद हम नीचे चलेंगे खाना पीना खाने के लिए। तो फटाफट मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। तो गाइस, ये चीकू मेरे पैर जा रहा है, और अभी तक यार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, एसी से पूरा कमरा ठंडा कर दिया है और अभी हमने पंखा चला लिया इसीलिए। और भाई क्या ही बताऊँ मैं, रजनी पर्दे कैसे लगाएंगे हम बताओ, ये जंगला खाली दिख रहा है, अच्छा ही लगता है। एक पर्दा यहाँ भी लगेगी लेकिन बाहर की तरफ से, लेकिन चीकू बदतमीज़ कुछ नहीं करेगा। ये गाइस आ गया मेरे ऊपर उछल के और कह रहा है छोटी गाड़ी लगा दो। अब इसको छोटी गाड़ी लगा के दिखाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, छोटी गाड़ी नहीं लगाऊंगा। कौन है ये, कौन है ये बता, कौन है ये? तो गाइस, ये 5 किलो कटहल और इसमें हमने मिला दिए हल्दी, तेल थोड़ा मिलाया है अभी, और नमक मिला दिया है 1/2 किलो से ऊपर, और बाकी मसाले डालते हैं और फिर अचार की तैयारी करते हैं बनाने की। और देखना क्या ही बढ़िया अचार बनेगा। इसमें अभी क्या क्या पड़ना है देखो, इसमें सौंफ पड़नी है, कलौंजी पड़नी है, मेथी पड़नी है, गरम मसाला पड़ना है, और भी जो भी मसाले पड़ेंगे मैं दिखा दूंगा, और क्या ही अचार बनेगा वो भी दिखाऊंगा। मतलब मैं डालूं तुम मिलाओगी, बताओ तुम डालो, फिर डाल दो सब चीज़, तभी मिलाएंगे। तो ये गाइस राई पड़ गई पिसी हुई, और ये खुद ही मिक्सी में पीसी हमने, क्योंकि ये थोड़ी कम ही पीसी हुई डाली जाती है, ऐसी नहीं बिल्कुल बारीक कर दो। मेथी,
इसमें कटहल दिख नहीं रहा आपको। सौंफ ज़्यादा लग रहा है। मैंने डबल बताया था बता उसका, हम तो भी कम कम डाल रहे हैं। हमने 100 ग्राम सौंफ बचा ली। कलौंजी हाँ कलौंजी कितनी, 50 ग्राम लाया हूँ, 25 ग्राम लिखी थी उसमें। थोड़ी थोड़ी और डाल दो, थोड़ी सी और डाल दो बारीक सी। गरम मसाला तो 100 ग्राम था उसमें। तेल अभी नहीं, पहले ही मिला दो। संदीप मिलाइए जो तुम नहीं चला पाओगे यार। नहीं चल रहा। क्या चला रहा है? चार चलाते हुए कुछ ज्यादा नहीं डाला है। पापा ने डबल डबल बताया था, हम तब भी देख दाग के डाल रहे हैं। लाओ रजनी में चला पा रही, अम्मी चला लो, पकड़ो तुम जगह। ना यार अच्छा लगता है। क्या हो रजनी, चांद नहीं चला 5 किलो? बच्चन को काम बता रहा हूँ। तेल डालो। हाँ तेल डालो। मिल तो गए हुए हैं बस, तेल ज्यादा हो जाएगा। दो बार डाल भी चुके हैं। डूब के उठ रहा हूँ। अच्छा डूब के रहता है ये, पता नहीं ये कोई वाला है डूबने वाला। तो सुनो सुनो सुनो, डिब्बे में बढ़ा लेंगे, डिब्बे में बढ़ा लेंगे। तो गाइस देख रहे हो ऑलमोस्ट इतना ज्यादा अचार मतलब तेल पड़ चुका है, और इतना ही तेल पहले भी डाल चुके हैं हम लोग। अच्छा लग रहा है देखने में, बड़ा अच्छा बनेगा बना तो। चटपटा चटपटा, अभी क्या पता चलेगा। ये डूब के रहता, सही कह रहा, मैंने खाया घर पे बना था वहाँ पहले भी। अब ये वही बात हुआ तो चिको तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहाँ जा रहे हो? हमने वो तो करने जा रहे हैं। पूजा करने नहीं आ रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी जस्ट नहाया था मैं, शाम हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट थोड़े काम से, थोड़ा एटीएम तक जाना था, और चीकू भी जा रहा है मेरे साथ। हम और चीकू दोनों लोग जा रहे हैं। हमने घर जाया क्या? तो हमने पैसे निकाल लिए। तो गाइस एटीएम पे हम लोग आ गए थे, पैसे निकाल चुके हैं, ये रहा एटीएम साइड में, और अभी हम घर जा रहे हैं। और उससे पहले मैं चीकू कुछ खिलाऊंगा। चीकू कुछ खाओगे? क्या खाना है बताओ, क्या खाना है, जो खाना बता दो। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से हम लोग। तो गाइस इस प्लॉट में लगेगा वॉलीबॉल का नेट, और देखो ये हमने खंबा लगा दिया है, कभी दूसरा खंबा लगाने वाले हैं। और ग्रुप अभी तक आया नहीं है जो वॉलीबॉल खेला करेगा। वो देखो संदीप वहाँ खड़ा है, उधर है होता है। ए वॉलीबॉल खेल लोगे तुम, इतने मोटे जा रहे हो, बूढ़े हुए हो। वॉलीबॉल खेल लेंगे ते पापा, वॉलीबॉल खेलेंगे आगे। अच्छा वो खेलेंगे आगे ते पापा, वो ना चढ़ पाएंगे हमें। भैया आप खेलोगे वॉलीबॉल? खेलोगे वैसे ना खेल पाओगे? मैं नहीं खेल पाऊंगा इतनी मेरे को पक्की पता। अपनी हाथों से कहाँ पे, नेट पे लगने वाले प्लेयर है हम। स्टार प्लेयर आते हुए वीडियो। अरे पता नहीं। तो गाइस डिब्बा लेके आए थे और इसमें अभी अचार रखेंगे मैं और संदीप। और देखो एक दिन हो गया अचार को रखे हुए, बस में अभी हमें तेल और बढ़ाना है, और ये डिब्बा फुल हो जाएगा 5 किलो का। इधर देखो चीकू सो रहा है। दो डिब्बे पड़े हैं, आधा आधा करके। टोटल अचार की कह रही हो? हाँ तो टोटल अचार में तो पड़ गया होगा। अब ठीक है मित्र इंदो, तभी तो तेल पड़ता है, हम मिर्ची मिला के रखते हैं, हनुमान मिला के रखे, बाद में तब पड़ा है सोलह। अच्छा हम और बनते हो अचार हो तो और बन जाए तो। अरे अचार कौन से ढक्कन लगा रहे थे यहाँ पे? जो ढक्कन जहाँ लगा
सब खेसी सकता है। ओ शिट जो था हमने कपड़े पहन लिए छोड़ दिए जाने कर मैंने इनते कहीं डब्बा थे वो बचार बदना मंगा रहे डब्बा डब्बा है पापा ने कही हम लाएंगे पापा कहते हमें बता देना दुकरा कब होगा लाए ना ना आज अच्छा दोन लाए थे पापा दोन की तुमने कही ना कहूं कभी नहीं कही दोन की ये वाली की हां नहीं कही थी फिर पापा कह रहे नहीं पापा ऐसे थोड़ी ना कि कौन तो ले लें पापा जान के दुकान से लाते हैं भैया आज पूछ रहे हैं चार पाई दिखाए कि उन्हें देखो 5 किलो अचार में। तो गाइस अचार कंप्लीट हो गया कटेल का और अभी हम ये ब्लॉग यहीं खत्म कर रहे हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।